अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मारगला रेलवे स्टेशन से आज पहला सफ़र कर रहा हूँ। बड़ा यूनिक स्टाइल का रेलवे स्टेशन है ये। जब ट्रेन आने से थोड़ी देर पहले खोला जाता है, बाहर से देखे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी की रिहाइश है। पहला जर्नी ग्रीन लाइन पे, बड़ी धूम सुनी है उसकी। देखते हैं कैसा सफ़र रहता है उसका। नॉन स्टॉप चलती है, हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे भावलपुर तक। मेरे साथ दोस्त हैं मेरे काशिफ। तो एक्सपीरियंस करना है इसका जर्नी। मैं एसी स्टैंडर्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ और देखते हैं कि सफ़र कैसा गुजरता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड तो ज़ाहिर है वो तो ट्रैक से लिमिट होगी जी, 20 मोस्टली इसको लेट करता है रादर ऑलवेज। और लाहौर जाके जी 40 मिलता है, जहाँ से मेन लाइन डुअल लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्टेशन का विज़िट करते हैं। ये मरगला रेलवे स्टेशन सेक्टर H9 और I9 के दरमियान बना हुआ है। क्या बने जो है H9 साइड से इसकी एंट्रेंस है। बाहर से देखें तो ये एक रेजिडेंस की तरह ही लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। गेट बंद हो जाता है अगर ट्रेन की टाइमिंग से करीब ना हो। एंट्रेंस के बाद लेफ्ट साइड पे कुछ कैफेटेरियाज बने हुए हैं और राइट साइड पे एक छोटा सा ग्रासी प्लॉट है। आगे फर्दर राइट पर जाएं तो पार्किंग एरिया है और ये मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ बैठने की जगह बनी हुई है मुसाफिरों के लिए। और छोटा सा ये हॉल क्रॉस करें तो हम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हरा भरा दरख्तों में घिरा हुआ स्टेशन है। कुछ वॉशरूम फैसिलिटीज़ और कुछ दूसरी बेसिक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सामने दो ट्रैक बिछे हुए हैं और दूसरी तरफ फेंस लगी हुई। प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं और ये उसी वक्त खोले जाते हैं जब ट्रेन का टाइम होता है। अगस्त का महीना में थोड़ी ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेड होती है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। वैसे भी पार्टली क्लाउडी है सुबह से, कभी सूरज निकल आता है कभी गायब हो जाता है। तो ये स्टेशन का एक तरफ जब एंट्रेंस हो तो राइट साइड पे एंड पे मस्जिद बनी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद स्टेशन के साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑल द वे बेंचेस लगे हुए हैं और सामने दो ट्रैक बिछे हैं, उसके दूसरी तरफ सब्ज़ा और फिर आगे फेंस लगी हुई है। दोनों तरफ इसके गेट लगे हुए हैं क्योंकि जैसे पहले बताया कि कुछ ट्रेन पास थ्रू नहीं होती, जब ब्रेक प्लेस होता है गेट खोले जाते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट एक घंटा है ट्रेन के चलने में, इनफैक्ट ब्रेक भी प्लेस नहीं हुआ। 4555 लच एफ मोड में इसको रावलपिंडी से लेके आया है। इसी स्टैंडर्ड है, फिर पैरेलल कार है और दो बिजनेस है। उससे पहले तीन या चार इकॉनमी क्लासेस हैं। फ्रंट पे ब्रेक वैन है,
और 555 अभी अपन होगा, दूसरे ट्रैक से डिटैच होके अपोजिट साइड पे गया है और अभी इसकी कपलिंग हो गई, कपलिंग हो गई। समझ नहीं आया मुझे, तोपिया क्या नाम है जी? बात करें इंग्लिश में करें बात। ओके, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम, माय नेम इज तोपिया। ओके, वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू? आई एम गोइंग टू द होल। हाँ जी, बैठ गए हम ट्रेन में। इसी स्टैंडर्ड रोज नंबर 15 में मार्गला स्टेशन से चेल होगा अंदर, मार्गला से तकरीबन 30-40% ऑक्यूपेंसी हो गई है इसकी, बाकी पिंडी में जाके डेफिनेटली ये फर्दर इम्प्रूव होगी। ये मार्गला से पिंडी का सेक्शन भी ज़रा देखने वाला है, देखते हैं कि क्या है ऑन द वे। मैंने ऑफकोर्स इधर ट्रैवल नहीं किया पहले। राइट ऑन टाइम, पूरे 3 बजे मार्गला रेलवे स्टेशन से रवानगी। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। अंदर माहौल इतना पसंद आया मुझे कि मेरा अब दरवाज़े में खड़े होने को दिल नहीं कर रहा। ऐसी बड़ा सेट चल रहा है और खामोशी है और बड़ा स्मूथ और कंफर्टेबल स्टार्ट भी है इसमें, तो अभी अंदर से थोड़ा शॉट करते हैं। ये मस्जिद है, यहाँ पर जोर की नमाज़ पढ़ी हमने। ये स्टेशन की बाउंड्री वॉल आ गई और यहाँ पे ये गेट लगा हुआ जो कि खुला है और ये हमारे जाने के बाद दोबारा बंद कर दिया जाएगा। अंदर काशी भाई मज़े कर रहे हैं, अभी तकरीबन खाली है, बेड शीट्स और पिलोज हर सीट के साथ अवेलेबल है। इस्लामाबाद में एज एक्सपेक्टेड हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ये हम लोगों को स्पेशली जो पंजाब साइड से आते हैं जहाँ बारिशें कम होती हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है देखने। रावलपिंडी स्टेशन पे पहुंचने की अनाउंसमेंट हो रही है। तीन बज के 20 मिनट इसका शेड्यूल अराइवल है रावलपिंडी में, वहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप है और 3:40 पे ये रावलपिंडी से डिपार्ट करेगी। पहला शेड्यूल स्टॉप चकलाला में है जो कि पिंडी का ही सब अर्बन स्टेशन है, और वंस वी लीव्स चकलाला देन इट विल स्टॉप इन लाहौर अनलेस के हमें कुछ क्रॉसिंग के लिए रोकना पड़े। नूर जंक्शन जहाँ पर मार्गला ब्रांच लाइन आके ज्वाइन करती है मेन लाइन 1 को। यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप नहीं था लेकिन रुकना पड़ा है, आई डोंट नो व्हाई। पिंडी पहुँच गए हम, टिकट एक्चुअली हमारे पास रावलपिंडी का है लेकिन हमने चूँकि मार्गला स्टेशन देखना था तो हम इसके लिए स्पेशली इस्लामाबाद गए और ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, बड़ा स्पेशल स्टेशन है, बहुत मज़ा आया वहाँ। ग्रीन लाइन के मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में रावलपिंडी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे
माशाल्लाह मुसाफिरों से भरा हुआ है। ग्रीन लाइन का सिग्नल हो गया पूरे 3:40 पे, तो डिपार्चर होने वाला है। और इसी स्टैंडर्ड 15 नंबर कोच में हमारी सीट है और सफ़र डिपार्चर आरम्भ हो गया। पिंडी से डिपार्चर भी ठीक वक्त पे हुआ है। यहाँ पे शंटिंग तो नहीं होनी थी, ना लोकोमोटिव ब्रेक हर चीज़ रेडी थी, तो पूरा शेड्यूल 20 मिनट का स्टॉप किया और ट्रेन डर पाई है। ऐसी चल रहा है माशाल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है। इसका टर्न आउट साइड आ सकता है। बस मैं इसी से सफ़र कर रहा हूँ, ग्रीन लाइन में कवर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं ध्यान रखता हूँ। बस ठीक है, रेलवे पुलिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस जनरली बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ग्रीन लाइन पे जो अफसर ऑन ड्यूटी थे, जो ट्रेन कमांडो, तो वो माशाल्लाह बहुत ही पोलाइटली मिले। उनके चेहरे पे स्माइल भी थी, तो वो जस्ट मुझे बता रहे थे कि बेटर बी वॉचफुल अबाउट माई कैमरा एंड ऑल। तो ये चीज़ भी स्पेशल है ग्रीन लाइन में, बहुत प्रेजेंट पुलिस अफसर थे, अच्छा लगा उनसे बात कर। पिंडी से निकलते ही चकलाला आ गया है। यहाँ पे पहला शेड्यूल स्टॉप है, यूपी पिंडी का ही स्टेशन है। कुछ लोग यहाँ से सवार होंगे और उसके बाद 404 सीधा लाहौर इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, 4-5 फैमिलीज लग रही हैं सिर्फ। चकराला का छोटा सा खूबसूरत स्टेशन, चकराला में 2 मिनट का स्टॉप किया है। स्टेशन माशाल्लाह इसका भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं जब भी सफ़र पर निकलता हूँ व्लॉगिंग के लिए, तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो है दरवाज़े में या खिड़की में ही गुजरता है, लेकिन आज ग्रीन लाइन में मैंने इरादा किया है कि अंदर के मज़े लेने और सफ़र को एंजॉय करना है। तो ग्रीन लाइन में चूँकि मेरा पहला सफ़र है और अंदर का माहौल मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैं ज़्यादातर अंदर से ही शूट करूँगा आज। पोठोहार खूबसूरत है, ऑफ़ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सारे एरियाज़ मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कवर किए हुए हैं। तो ग्रीन लाइन की साफ़ सुथरी खिड़की में से देखना, देख के ऐसे हालांकि स्टेशन से भी हम गुजर रहे हैं, तो इसका एक डिफरेंट इजाज़ आ रही है। साइड वाली सीट है, टांगें हमने लंबी की हुई हैं, सुकून मार रहे हैं, और साफ़ सुथरे शीशे से बाहर का मंज़र, पोठोहार के नज़ारे। जी कंप्लीमेंट्री टैंक,
जी हज़ारा एक्सप्रेस खड़ी है लूप लाइन में। PH 28302 रूट पे है गंगरीला। स्टेशन से गुजर रहे हैं ट्रेन की लेफ्ट साइड को कवर करने के लिए मैं यहाँ दरवाज़े पर आया हूँ। दरवाज़ा ये लॉक्ड है, ओपन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी जो डोर लगा हुआ है काफ़ी शफाफ है। अभी तक तो ये होता रहा था कि सिंगल लाइन क्रॉसिंग में हमारी ट्रेन रुकी होती थी और हम बड़े हसरत से देख रहे थे एक सामने से ग्रीन लाइन आ रही है। तो आज हमारा दिन है, अभी हमने हज़ारा एक्सप्रेस को क्रॉस किया था और यहाँ सोहावा पे स्टेशन पे खड़ी है 39 अप जाफर एक्सप्रेस। आई आ गई है कम्प्लीमेंट्री। जी सर कितने लोग हैं भाई? ट्रे दिए साथ में लोगों ने? शुक्रिया सर। ये जनाब हम खाएंगे समोसा। ये अभी हमने समोसा एंजॉय किया ग्रीन लाइन के सफ़र में कम्प्लीमेंट्री, और अभी चाय भी मिलेगी हमें तो ग्रीन लाइन जिंदाबाद। ये चाय सर्व हो रही है कम्प्लीमेंट्री समोसे के साथ। जी काशिप चाय कैसी? चाय माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ग्रीन लाइन का बहुत अच्छा मेयार है। अभी जब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया तो उस वक्त तो कर दे अच्छी नहीं है। नहीं नहीं उस टाइम भी मैंने यही कहा था अच्छी है, मगर वो आपको शायद ऐसा लगा कि अच्छी नहीं है, अच्छी है। ग्रीन लाइन अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में मेयार दे रही है माशाल्लाह। चाय पसंद आई जी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और भाई साहब आपको कैसी लगी? भाई खान साहब अच्छा है, बहुत अच्छी। अच्छा खान साहब बेहतरीन है चाय, बहुत बेहतरीन। देखो जी गवाह भी है। क्यों आपको भी पसंद आई चाय? हाँ जी अच्छा फीडबैक है जी चाय का, समोसा भी अच्छा था और चाय भी अच्छी है। चाय पी ली और इस दौरान मैं स्टेशंस का ट्रैक करना भूल गया हूँ। मेरा ख्याल है कि हम दीना क्रॉस कर रहे हैं और अब जेहलम के आसपास होने चाहिए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। जी जेहलम से थ्रूपास लगा गया।
झेलम स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है और उसकी वजह यही है कि ये दो प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, और ये आगे पीछे करके दोनों एक ही साइड पे बने हैं। और स्टेशन के फौरन बाद हम गुजरेंगे रिवर झेलम के ब्रिज से, और वो ब्रिज भी पाकिस्तान के जितने सारे दरियाओं पे बने हुए ब्रिजेज हैं उनमें सबसे लंबा है। और इस ब्रिज के यानी दरिया को क्रॉस करने के दूसरी तरफ सराय आलमगीर का स्टेशन है। यहाँ लगता है थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, रोड भीगी भीगी है, दरिया में पानी इतना ज़्यादा नहीं है। ये ब्रिज बना था 1878 में और इसकी जो टोटल लंबाई है तकरीबन 4.2 किलोमीटर। और ये अब हम गुजर रहे हैं सराय आलमगीर के स्टेशन से। इस सेक्शन में स्पीड लिमिट 105 किलोमीटर है और अभी हम 97 पर जा रहे हैं, उम्मीद है कि 100 क्रॉस करेगी। ये पहला इंसिडेंट है पिंडी से चलने के बाद जब हम 100 पे पहुंचेंगे। जी G24555 ग्रीन लाइन 6 टाउन को 100 प्लस पे लेकर जा रहा है इस वक्त। अभी हम लाला मोसा से गुजर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है। हमने एक्चुअली जाना तो मुल्तान है लेकिन ग्रीन लाइन मुल्तान के रास्ते से नहीं जाती, इसलिए हम बहावलपुर से उतरेंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो जो प्रीमियम ट्रेन है लाइक ग्रीन लाइन और दूसरी सर सैद को कह सकते हैं आप, इन दोनों का रूट वाया कॉर्ड सेक्शन है। तो हम रिक्वेस्ट है कि अगर ग्रीन लाइन का रूट वाया मुल्तान किया जाए और इसमें जो इसका टेक्निकल स्टॉप खानवाल में होता है वो ख़त्म कर दें। इवन बहावलपुर में भी इसको रुकने की ज़रूरत नहीं है और मुल्तान में 20 मिनट का टेक्निकल स्टॉप दे दें, तो इससे मुल्तान लाहौर के दरमियान एक नॉन स्टॉप ऑप्शन मिल जाएगी। और जो ओवरऑल ट्रैवलिंग टाइम है उसमें तकरीबन सिर्फ 20-25 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे। वह मुल्तान रूट ऑफ कोर्स लंबा है लेकिन कमर्शियली इट इज़ वे मोर प्रॉफिटेबल फॉर पाकिस्तान रेलवेज। तो हम सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान रेलवेज़ को कि इसको ट्रायल बेसिस पे एटलीस्ट स्टार्ट करें और देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है। गुजरात स्टेशन पे पहुँचे हैं, शेड्यूल स्टॉप नहीं है, बारिश हुई हुई है यहाँ पे भी और इवन पूरी पटरी पानी में डूबी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। 103 अब खराम सुबह खराम आ रही है जी, इसको रास्ता दे रही है ग्रीन लाइन। गुजरात में पहुँच गए हैं भाई लोग सारे मुसाफिर। वन ज़ीरो थ्री आप सुबह खराम पहुँच गई है, पटरी पे उसका देखने वाला सीन होता है लेकिन दरवाजे उस साइड वाले सारे बंद हैं। तो आपको ट्रेन को नीचे से दिखाते हैं। G20 ही लीड पे है और इसके व्हील्स आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर डूबी हुई पटरी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सुबह खराम की वैल्यू है जनाब, ग्रीन लाइन को रोक लिया। झेलम से आनवर्ड सारा इलाका भीगा भीगा था, लगता है अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, हर चीज़ बड़ी निखरी निखरी लग रही है। गुजरात का स्टेशन वैसे भी शाम हो गई है।
ज़ीराबाद जंक्शन से थ्रू पास, वन ऑफ माई फेवरेट स्टेशन, लेकिन यहाँ से पास थ्रू थ्रू पास स्पीड 15 किलोमीटर है, बहुत सारे पॉइंट्स में से गुजरना पड़ता है। तो ट्रेन बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है यहाँ से, बड़ा मेजर जंक्शन है मेन लाइन वन का। यार्ड भी सर सब्ज वसी और रीज है लाला मूसा जंक्शन की तरह। यहाँ से एक ट्रैक राइट जाता है जो कि है वज़ीराबाद खाने वाला ब्रांच लाइन वाया फैसलाबाद, इस ब्रिज के नीचे से गुजरती है। हम सीधा जा रहे हैं मेन लाइन वन पे जो कि लाहौर जाती है, और एक ट्रैक हमारे लेफ्ट पे आ जाता है सियालकोट। वज़ीराबाद से निकलने के बाद एक दफ़ा फिर स्पीड पकड़ ली है, लाइट भी थोड़ी फेड हो रही है। अभी हम गखड़ मंडी से गुजर रहे हैं, तो इसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं लाहौर पहुंच के, क्योंकि लाइट अब ऐसी नहीं है कि जिसमें एक क्लियर फुटेज कैप्चर की जा सके, तो लाहौर में मुलाकात होती है। पहुंच गए हम, 8:20 हुए हैं तकरीबन। लाहौर जैसे स्टेशन पर पहुंच के पता चलता है कि माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसी दौरान डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का, ट्रेन तकरीबन खाली है, और रेल की हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। ये वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन है, और आप पर एक देखें इसका स्पेशली जो इकॉनमी क्लास है बहुत ही बढ़िया है। फाइव वन ज़ीरो टू शंटिंग के ड्यूटी पूरी करके गया है, और अभी जनाब चीफ लोकोमोटिव द बॉस वो आगे कनेक्ट होंगे, और से कोचिज ऐड हुई हैं, इकानमी क्लास एसी बिजनेस एसी स्टैंडर्ड मिनिमम 8 से 10 कोचिज एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। सो अभी ये 18 to 19 कैरिजेस का लोड होगा इसमें, जो कि कराची तक जाएगा और लीड पे होगा GU40, उसी के कौन सा नंबर अलॉट होता है। बॉस आ गए, GU40 9022, ये कनेक्ट हो रहे हैं अपनी ब्रेक वैन के साथ, और ये लीड करेंगे ऑल द वे टिल कराची। ये ग्रीन लाइन का जादू,
प्लेटफार्म अभी थोड़ी देर पहले खचाखच भरा हुआ था, सारे पैसेंजर इसमें समा गए हैं अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। 9:20 पर डिपार्चर हुआ है। ऑलमोस्ट 55 यहाँ पर स्टॉप किया है। लाहौर से निकलते हुए हमें तकरीबन 40 मिनट का डिले है इस वक्त। शेड्यूल डिपार्चर इसका 8:40 का है, 9:20 हुए। तो लाहौर के बाद भी हमें थोड़ी भूख लगी है, तो भी हमें उसका भी बंदोबस्त किया हुआ ग्रीन लाइन ने, हमें कम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा इंशाल्लाह, तो उसका भी इंतज़ार है। वो भी खाना भी खाते, खाना खाने के बाद फिर आराम करेंगे और खाने वाल में जा कर मुलाकात करेंगे फिर आपसे। जी दाल है, चिकन है, दाल है और साथ है लाउ टाइप चीज है। माशाल्लाह साथ में रहता है जी काशी भाई, क्या कैसा टेस्ट है खाने का? खाने का जी टेस्ट नहीं देखना चाहिए, खाना खाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमत से नवाजा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। चलो जी मैं भी शुरू करता हूँ और फिर शुक्र करते हैं अल्लाह का। जी खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत से निकले में ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया और ड्राइवर क्रॉस कर चुके हैं, तो थोड़ा आराम करेंगे। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर एडजस्ट हो गया तो आराम करेंगे। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। हाँ जी इंगेट अच्छी नींद की है, 1 बज गया और हम खाने वाले पहुँच गए। नाम भी थोड़ा पीछे हो जा रहा है, लाइट में, लाइट में, लाइट में आ रहा है। जी 50 मिनट लेट, 1:15 बजे बैठे हैं हम खाने वाले और हॉल पर भी इसका एक्सपेक्टेड अराइवल है 2:20 पर। अभी मज़ीद 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है, फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। एक 1:15 पे शालीमार एक्सप्रेस खाने वाले पहुँच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। ये एक और मेरी फेवरेट ट्रेन है और ये भी बेचारी 4 घंटे लेट चल रही है। तो पाकिस्तान रेलवे जो है वो मेरे आजकल हमारी बन नहीं रही। कराची एक्सप्रेस का भी हाल देखा है और ये भी शालीमार का भी।
खानेवाल से रवाना हो गए हैं। अगला स्टॉप हमारी मंजिल है बहावलपुर। कुछ फाइनल थॉट्स आज के सफ़र के बारे में। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जितनी दूसरी ट्रेन में मैंने सफ़र किया उनसे मुख्तलिफ है। इसमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है। टिकट में जो इंक्लूडेड कम्प्लीमेंट्री फूड शामिल है जिसमें हाई जी वेलकम पे टैंक दिया गया, इसके बाद डिनर सर्व किया गया और हाफ स्टॉप के बाद क्लीनिंग स्टाफ ने आके जितनी भी वेस्ट थी वो कलेक्ट की है। इसके अलावा कपल ऑफ टाइम्स और भी हुआ है फ्लोर की क्लीनिंग के लिए भी। और लाहौर से पहले कुछ अरसे के लिए कुछ पानी का प्रॉब्लम भी हुआ था वाशरूम में। मैंने देखा कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं देवर कंसर्न भाग दौड़ हो रही थी कि पानी क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि पानी ख़त्म होना पाकिस्तान की रेल ट्रेन में एक मामूली बात है। अगले स्टेशन से आने से पहले ही जहाँ पे वाटर रिफिलिंग होती है अक्सर पानी ख़त्म हो जाता है एंड नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट, बट एट लीस्ट देयर वर सम कंसर्न्स एंड ग्रीन लाइन तो कुछ केयर की जाती है एंड देयर सर्विसेज दे प्रॉमिस दे ट्राई टू फुलफिल देयर वर्ड्स। तो इस लिहाज से ट्रेन काफ़ी बेहतर है। जो कोचेज हैं वो भी एम्बियंस इज बेटर, दे आर वेरी क्वाइट इनसाइड, बाहर का शोर नहीं आता। इवन दूसरी कोचेज में एसी भी हों तो काफ़ी नॉइजी होती हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स ये डिटीरिएट होती है, थिंग्स नीड टाइम टू टाइम की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर ये सारी चीज़ें टाइमली करते रहे दैन दे आर बी एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा आई बिलीव के हमें कुछ और ट्रेन को भी इसके स्टैंडर्ड पर लाने की कोशिश करनी चाहिए जो पाकिस्तान रेलवे से अंडर रन हो रही। जैसे कराची एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन, लेकिन जब लाहौर में मैंने उसका रेक देखा स्पेशली इकानमी क्लास, बड़ा थर्ड क्लास रेक था उसका। और अभी शालीमार आई है वो भी 5-6 घंटे लेट चल रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो ग्रीन लाइन के लिए एफर्ट मानी जाती है दूसरी ट्रेन के लिए भी मानी चाहिए। और इस स्टैंडर्ड की हमें कुछ मज़ीद ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ओवरऑल ग्रीन लाइन इस गोल्ड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया एंड फ्रेंकली स्पीकिंग उतरने का दिल नहीं कर रहा। काशी भाई भी कह रहे हैं कि चलें कराची चलते हैं, लेकिन कराची चलेंगे फिर किसी दिन। हमारा जर्नी प्लान है ज़खरिया एक्सप्रेस पे 26 डाउन, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद उसमें ट्रैवल करेंगे कराची जाएंगे। तो ये फाइनल थॉट्स हैं हमारी ग्रीन लाइन के बारे में। तो मिलते हैं फिर बहावलपुर में हमारा स्टॉप। सुबह के 2:40 तकरीबन 1 घंटा लेट है। ग्रीन लाइन ने हमें ड्रॉप करके चल दी है। इसकी मंजिल है कराची। अभी इसका तकरीबन 13 घंटे का मुझे सफ़र बाकी है। इसका शेड्यूल्ड
अराइवल कराची में होता है दोपहर के 2:45 में। अभी ऑलमोस्ट ये 1 घंटा लेट चल रही है, जिसकी वजह से मतलब तकरीबन 13 घंटे से मजबूत लगेंगे कराची पहुँचने में। कराची तक इसके स्टाफ, इसके बाद गोवड़ी, हैदराबाद, उसके बाद ग्रेटर में भी स्टार्ट करती है और फिर कराची। तो अभी नो डाउट प्रीमियम ट्रेन, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, मेरे आपने तो इंजॉय किया होगा, तो वहाँ में याद रखें अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने मान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.